कॉलेज के बारे में ठीक बताया कि हमने किस कॉलेज एक ही दिन 10 फरवरी 2017 को शिलान्यास किया था। हमारे पास 27 मान और ऐसे हैं जहां हरियाणा ने चिन्हित कर लिया है, हमारे से मांगने की किसी ने, लेकिन हमको भी पता है ये 27 मान और ऐसे हैं जहां कॉलेज की आवश्यकता है। और उन 27 स्थानों में एक स्थान इस्माइलाबाद है। इस्माइलाबाद के साथ जम्मू कला गांव के लोगों ने जमीन देने के लिए हाँ कर दी है और वो कॉलेज मंजूर किया जाता है। उसका नाम जम्मू कला गांव है, 1 किलोमीटर दूर इस्माइलाबाद है, पूरे इलाके उसका नाम होगा। इसलिए इस कॉलेज की मंजूरी उन 27 कॉलेजों में दी जाती है और अगला जो भी दिन होगा हम इसी प्रकार से एक साथ में शिलान्यास करेंगे। उसमें 10 हो 15 हो 20 हो एक साथ करेंगे। आने वाले 2 वर्षों में सब 27 के 27 कॉलेज बनाएंगे और मुझे नहीं लगता है उसके बाद कोई जरूरत और कॉलेज खोलने की पड़ेगी। हरियाणा पहला देश का राज्य होगा जहां धीमे तरीके से भर्ती करा करके जहां जरूरत वहां कॉलेज खोलो। एक ही स्थान पर 4 कॉलेज, एक स्थान ऐसा जहां 50 किलोमीटर तक कॉलेज ही नहीं है। इसलिए उन सब स्थानों के ऊपर कॉलेज खोलने की हमारी योजना है। या शाहबाद में आईटीआई, मुझे पता लगा कि उसका भवन भी किराए में है, किराए का भवन है और बहुत थोड़े से कोर्सेज है। अब इस आईटीआई का विस्तार करने के लिए इसको अपग्रेड करेंगे और नलवी क्षेत्र के अंदर जहां भी जमीन हमको मिलेगी इस आईटीआई का विस्तार करके और हम इसको अपग्रेड कर लेंगे। जो जो और आवश्यकता उसको मिलेंगे। श्यामा मार्केटा श्यामा मराणा रोड पर एक गुहार की ऐसी मांग आई है कि शाहबाद मराणा रोड पर बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम से एक गुहार बनाया जाएगा ताकि वो यादगार बने रहे। इसी प्रकार शाहबाद मारकंडा की वाल्मीकि बस्ती मांग के लोग मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमारा सामुदायिक केंद्र बनाया जाए, जमीन उनके पास है, अगर जमीन है तो हमको सामुदायिक केंद्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 30,000 रुपए उसके लिए भी मंजूर किया जाता है। गांव बताए हैं गांव ठोल और गांव शांतिनगर कुरड़ी, इनमें व्यायामशाला की आवश्यकता है। 2-2 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने पर इन दोनों गांव की, हालांकि 10 व्यायामशालाएं पहले भी बनाई जा चुकी है, 2 और है एक काम ऐसा बताया गया जो हमारे अपने हाथ में नहीं है, लेकिन मैं रेलवे मंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि प्रातःकाल शाहबाद मारकंडा स्टेशन पर और सायंकाल शाहबाद मारकंडा स्टेशन पर दोनों साइड में जाने वाली, दिल्ली की तरफ जाने वाली और अंबाला की तरफ जाने वाली एक एक एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव वहां जरूर हो ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा हो सके। ये मांग भी रेलवे मंत्री जी से हम करके भेजेंगे और मैं समझता हूँ कि आवश्यकता एक आवश्यकता है, इस आवश्यकता को जरूर पूरा करने के लिए हम लोग करेंगे।